गाइस, माय नेम इज थ्रू एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मेरे पास आप सबके लिए बहुत ही यूनिक गैजेट है जिसका नाम है जैक इलिप्स क्लॉक विद स्पीकर। यहाँ पे आपको एक गैजेट में क्लॉक मिलने वाली है जिसमें आप अलार्म सेट कर सकते हो, प्लस आपको स्पीकर मिलने वाला है, साथ में आपको माइक मिलता है, सब कॉलिंग भी कर पाओगे, साथ में आपको टेम्परेचर सेंसर मिलने वाला है, प्लस आपको फोन स्टैंड और आपको पेन स्टैंड मिलने वाला है। सो गाइस, यहाँ पे आपको मल्टीपल थिंग्स मिलने वाली एक गैजेट में, सो बहुत ही यूजफुल गैजेट है। सो गाइस, आज हम इस गैजेट का पूरा अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले, सारे फीचर्स को वन बाय वन टेस्ट करने वाले, इससे आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और गाइस, आपको वीडियो को देखने के बाद इस गैजेट को परचेस करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप सीधा परचेस कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। अनबॉक्सिंग करते ही सबसे पहले आपको मिलता है वारंटी कार्ड, यहाँ पे आपको एक साल के लिए वारंटी मिल जाएगी। और गाइस, नेक्स्ट आपको मिलता है यूजर मैनुअल जिसमें आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और गाइस, यहाँ पे आपको टाइप सी केबल मिलता है आपके स्पीकर को चार्ज करने के लिए। और गाइस, से हमारा मेन प्रोडक्ट जैक इलिप्स क्लॉक विद स्पीकर, यहाँ पे आप देख सकते हो पैकेजिंग आपको बहुत ही सुपर मिल जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। एक क्लॉक विद स्पीकर बहुत ही लाइट वेट है, इसको बहुत ही इजीली आप कैरी कर सकते हो, प्लस आपको साइज बहुत ही कॉम्पैक्ट मिलती है। इसकी साइज को आप मेरे फेस से कंपेयर कर सकते हो, साइज आपको बहुत ही कॉम्पैक्ट मिलने वाली, बट आपको डिस्प्ले बहुत ही बड़ी साइज की मिलती है जो काफी अच्छा डिजाइन फीचर है। अगर हम बात करें मटेरियल क्वालिटी के बारे में, यहाँ पे बहुत ही हाई क्वालिटी मटेरियल मिलने वाला है, यहाँ पे पूरे को रबराइज फिनिश मिलने वाली है जो बहुत ही हाई क्वालिटी है। और गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो फिनिशिंग आपको बहुत ही सुपर मिलने वाली है, इससे लुक एंड फील आपको बहुत ही प्रीमियम मिल जाएगा। आप देख सकते हो, आप इस स्पीकर को अपने ऑफिस पे यूज कर सकते हो, घर पे यूज कर सकते हो, इसको आप अपने डेस्क के ऊपर भी यूज कर पाओगे, प्लस इसको आप अपने स्टडी टेबल के ऊपर भी यूज कर सकते हो, लुक एंड फील आपको बहुत ही सुपर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ऊपर की साइड में जैक की ब्रांडिंग मिलने वाली और आपको फ्रंट साइड में बहुत ही बड़ी डिजिटल डिस्प्ले मिलने वाली, यहाँ पे आप देख सकते हो साइज आपको बहुत ही बड़ी मिलती है। यहाँ पे आपको जैक की ब्रांडिंग फिर से मिलने वाली है, यहाँ पे आपको सारे आपको इंडिकेटर्स मिलने वाले और आपको नीचे की साइड में 5 बटन्स मिलते हैं जिससे पूरी क्लॉक को आप कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे आपको फ्रंट साइड में फोन स्टैंड मिलने वाला है, यहाँ पे देख पाओगे आपको थोड़ा सा पुल करने का फोन स्टैंड इस तरह से बाहर आ जाएगा और आप इस तरह से फोन को प्लेस कर सकते हो। देखो, मैंने प्लेस कर दिया तो अपने काफ़ी अच्छे कंफर्टेबल स्टैंड बन जाएगा, ये बहुत ही यूजफुल है, मुझे काफ़ी अच्छा ये फीचर लगा है। और गाइस, आपको राइट साइड में टाइप सी पोर्ट मिलता है इस क्लॉक को चार्ज करने के लिए, बाजू में आपको इंडिकेटर लाइट मिलने वाली है और यहाँ पे आपको माइक मिलता है, सो आप कॉलिंग भी कर पाओगे। और यहाँ पे आपको बैक साइड में स्पीकर मिलने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाएगी और आपको ऊपर की साइड में पेन स्टैंड मिलने वाला है, इसको आप इस तरह से ओपन कर सकते हो, देखो ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप दो पेन आप स्टोर कर पाओगे, आपके लिए काफ़ी अच्छा फीचर बन जाएगा, इसको इस तरह से आप क्लोज भी कर पाएंगे, आराम से क्लोज हो जाएगा, क्लोज हो चुका है। और गाइस, आपको नीचे की साइड में बहुत ही रफ सरफेस मिलने वाली है, सो आप इस क्लॉक को किसी भी सरफेस को प्लेस करके यूज कर सकते हो, आपकी क्लॉक स्लिप नहीं होगी। यहाँ पे कनेक्टिविटी के लिए विद्युत 5.2 मिलने वाला है, जैसे आप इस बटन को लॉन्ग प्रेस करते हो इस तरह से आपका क्लॉक विद स्पीकर ऑन हो जाएगा। देखो ऑन हो चुका है, यहाँ पे लिखा हुआ हाई और यहाँ पर जैक की ब्रांडिंग मिल जाएगी। You entered Bluetooth mode. Okay. Next, आपको फोन का ब्लूटूथ ऑन करना है और आपको फाइंड करना है जैक इलिप्स, सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है, इस तरह से कनेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे का टाइम लग जाएगा और एक बार फुल चार्ज करने के बाद ये आपको मैक्सिमम 6 to 7 hours का बैटरी लाइफ प्रोवाइड करता है अगर इसको आप ऐसे स्पीकर यूज करते हो तो। अगर आप इसकी क्लॉक को ऑल टाइम ऑन रखते हो तो इसको आप एवरीडे 1 घंटे के लिए स्पीकर की तरह यूज करोगे, फिर आपको आराम से 6 to 7 days का बैटरी लाइफ मिलने वाला है। तो इस टाइप के गैजेट के लिए बहुत ही लॉन्ग बैटरी लाइफ है, बस आपको इस टाइप का बैटरी इंडिकेटर भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पे को बैटरी लाइफ के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी हम बात करते हैं और फीचर्स के बारे में। यहाँ पे को स्पीकर में TWS कनेक्टिविटी मिलने वाली है, मींस आप इस टाइप के 2 स्पीकर को एक साथ कनेक्ट कर सकते हो, ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा जिससे आपका साउंड लेवल डबल हो जाएगा जो काफी अच्छा फीचर है। बस आपको इस स्पीकर में टेम्परेचर सेंसर मिलने वाला है, सो गाइस आप अपना रूम टेम्परेचर मेजर कर सकते हो, जो एक बहुत ही एडवांस फीचर है और ये मेरा फेवरेट फीचर है। बस बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में, यहाँ पे बहुत ही बड़ी डिस्प्ले मिलने वाली है, यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्प्ले आपको बहुत ही ब्राइट मिलती है। सो गाइस, आप काफी दूर से भी टाइम चेक कर पाओगे, टाइम देख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, डिस्प्ले क्वालिटी को बहुत ही सुपर मिल जाएगी। और गाइस, अभी हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है साउंड क्वालिटी के बारे में। यहाँ पे को स्पीकर में 5 वाट का आउटपुट मिलने वाला है, बस आपको 40mm का ड्राइवर मिल जाएगा, ड्राइवर साइज काफी बड़ा है। और गाइस, नेक्स्ट अभी स्पीकर का लाइव टेस्टिंग करने वाले हैं। और गाइस, ये हमारा स्पीकर है, गाइस यहाँ पे रूम की साइज भी चेकआउट कर सकते हो, ये काफी डिसेंट साइज का बड़ा रूम है। तो गाइस, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं म्यूजिक को, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, तो स्टार्ट हो चुका है। और मैं अभी को वॉल्यूम फुल करता हूँ, Yeah.
सुबह सुबह अपने खुद से साउंड क्वालिटी को चेकआउट कर लिया। साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही हाई क्वालिटी साउंड मिलने वाला है, वॉल्यूम काफी आपको प्रॉपर मिलने वाला है। एक रूम के लिए आपको परफेक्ट वॉल्यूम लेवल मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट एंड वोकल्स आपको क्लियर मिलने वाला है। अगर हम बात करें बेस के बारे में, बेस परफॉर्मेंस बहुत ही सुपर है, बहुत ही डीप एंड बैलेंस बेस आपको मिल जाएगा। सुबह सब स्पीकर के साथ आप सॉन्ग्स एंजॉय कर सकते हो, मूवीज देख सकते हो, प्लस आप कॉलिंग भी कर पाओगे, आपको साउंड क्वालिटी के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट अभी हम कॉलिंग टेस्ट करने वाले, समय कॉल डायल करता हूँ, यहाँ से डायल हो जाएगा। वो लग चुका है, वॉल्यूम मैंने फुल कर दिया है। हेलो हेलो मम्मी। हाँ मैं तुम्हारे स्कूटी लेवा जाइए सर्विस में। हाँ कितना वागे तो वहाँ सात हो साल हाँ क्या है जिम में पाँच बजे डायरेक्ट जिम करी नहीं जिम गए नहीं थे। हाँ सो आप इस तरह से कॉलिंग कर सकते हो। कॉलिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी, वॉल्यूम काफ़ी को हाई एंड क्लियर मिलने वाला है, सो इसको आप कॉलिंग के लिए भी यूज़ कर पाओ। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं मीडिया कंट्रोल के बारे में। यहाँ पे आप इस वाले बटन के ऊपर प्रेस करके सॉन्ग को स्टॉप कर सकते हो। देखो स्टॉप हो जाएगा इस तरह से, फिर से प्रेस करके सॉन्ग को स्टार्ट कर सकते हो। देखो स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पे आप इस वाले बटन के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट सॉन्ग में जा सकते हो, आपका नेक्स्ट सॉन्ग आ जाएगा इस तरह से। यहाँ पे आप इस बटन के ऊपर प्रेस करके प्रीवियस सॉन्ग में आ सकते हो, देखो प्रीवियस सॉन्ग आ जाएगा इस तरह से। यहाँ पे आप वॉल्यूम भी अप डाउन कर सकते हो। सिंपली आप इस प्लस वाले बटन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करके इस तरह से वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हो। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे देख पाओगे। ओके आप इस वाले बटन को प्रेस करके वॉल्यूम को डिक्रीज कर सकते हो, देखो डिक्रीज हो जाएगा। सो बहुत ही अच्छा आपको मीडिया कंट्रोल्स मिल जाएगी। और यहाँ पे आप इस वाले बटन के ऊपर प्रेस करके कॉल को पिकअप कर सकते हो, देखो पिकअप हो जाएगा इस तरह से। और यहाँ पे फिर से प्रेस करके कॉल को कट कर सकते हो, कट हो जाएगा। सो यहाँ पे आपको कॉलिंग के लिए भी कंट्रोल मिल जाएगा। और गाइस अभी हम बात करते हैं क्लॉक फीचर के बारे में। यहाँ पे आप इस वाले बटन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करके इस तरह से टाइम चेंज कर पाओगे। देखो यहाँ पे ब्लिंक होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आप मिनट चेंज कर सकते हो इस तरह से, यहाँ पे क्लिक करना है और आपकी मिनट्स अपडाउन हो जाएगी। देखो अपडाउन हो रही है। नेक्स्ट फिर से यहाँ पे आपको क्लिक करना है तो आप यहाँ से आवर्स चेंज कर सकते हो। फिर से आप इस तरह से अपडाउन कर पाओगे, पूरा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और सेट होने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है जिससे आपका टाइम इस तरह सेट हो जाएगा। यहाँ पे बहुत ही आराम से टाइम सेट कर पाओगे, देखो सेट हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं अलार्म फीचर के बारे में। उसके लिए यहाँ पे आपको इस तरह से डबल टैप करना है, मैंने डबल टैप कर दिया। यहाँ से आप अलार्म सेट कर सकते हो, यहाँ पे आपको मिनट चेंज करना है। यहाँ पे सिंपली आप इस तरह से अप डाउन कर सकते हो, आपको आवर्स चेंज करना है। यहाँ पे फिर से आपको क्लिक करना है, यहाँ से आवर्स को अप डाउन कर सकते हो इस तरह से। और गाइस यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ से आपको अलार्म सेट हो जाएगा, देखो सेट हो चुका है। यहाँ पे आपको अलार्म का सिंबल आ जाएगा, मीन्स अलार्म आपका सेट हो चुका है। और गाइस जैसे आप इस बटन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करते हो इस तरह से आपकी क्लॉक ऑफ हो जाएगी, देखो ऑफ हो चुकी है। तो इस तरह से पूरा यूज कर पाओगे। सो गाइस अभी आपको जैक क्लिप्स क्लॉक विद स्पीकर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी। अगर आपको डिजिटल क्लॉक परचेस करनी है इसको परचेस कर सकते हो, अगर आपको स्पीकर परचेस करना है फिर भी इसको परचेस कर सकते हो। दोनों के आपको सारे फीचर्स मिलने वाले हैं। साउंड क्वालिटी को बहुत ही सुपर मिल जाएगी, मुझे बहुत ही यूजफुल गैजेट लगा, इसको आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। अगर गाइस आपको परचेस करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप सीधा परचेस कर सकते हो। और आपको वीडियो यूजफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो वीडियो में बाय।